जाएगा। जैसे होता है ना, बोर्ड लगता है, बोर्ड में लगा देंगे कल्पना मायावती जी की। अरे भी चुनाव आ जाएगा और पता ही लग कल्पना जाएगा। को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी, बनाने का काम बीजेपी। संगीत रागी का ऑडियो ठीक हो गया है? संगीत रागी जी बोलिए। 20 सीट के नीचे चले गए थे संगीत रागी जी। अरे सीटों पे इतना ना इतना है, अगर सीट किसी को मिल जाएगा तो इसका मतलब वो अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर सीट आपको मिल गया तो जीरो पे चिंता मत करो, हाथी ने अंडा दिया था 2000। लेकिन आपने तो अपने आप अंडा देने की फिराक में। ठीक है संगीत रागी बोलिए, अब आपका ऑडियो ठीक हुआ है। दिया था बुआ बबुआ क्या सत्ता के बाहर आप गए हैं क्या? खाता बंद हो जाएगा अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए सर, सर थोड़ा सा रुक जाइए। अहंकार बहुत बुरी चीज होती है और जनता बखूबी समझ रही है। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, जरा इन दोनों को थोड़ा सा रोक दूँ, ये परिश्रम का फल है। अरे प्रेम शुक्ला जी और फैजान भाई रुक जाइए, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। अहंकारी मायावती है जो कार्यकर्ताओं को अपने घर में प्रवेश नहीं लेने देती है। हाँ ठीक है, प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं तो देख रहा हूँ न्यूज चैनलों पर डेली माननीय प्रधानमंत्री जी बाइक दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितना आपने करवा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हिम्मत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा प्रधानमंत्री जी, आज जवाब दे दे पब्लिक के पर। एक मिनट फैजान भाई, मायावती से एक इंटरव्यू करवा दीजिए हमारा, अगर आपकी आपकी चलती हो। मायावती जी से एक इंटरव्यू दिलवा दीजिए हमारा, मैं कर दूंगा इंटरव्यू। सुशांत जी 3 दिन पहले किया है माननीय बहन जी ने। हाँ तो मैं कब आ जाऊँ बताइए, फोन पे बात करके बताइए मैं कब आ जाऊँ इंटरव्यू लेने। भाई आप अकेले तो हम तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए ना भाई, आप इंटरव्यू दीजिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल सब आगे अपने वाले पत्रकार बैठा लिए जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी से मिलिए, अगर लिखा कागज कोई छीन ले तो बेचारी बोल नहीं पाएगी। मायावती जी से इंटरव्यू करवा दीजिए ना फैजान भाई। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए लक्ष्मण ना जाके भरत चला जा रहा रामायण में, थोड़ा सा पढ़ लिखा कीजिए। अच्छा थोड़ा रुकिए सर, दोनों से रिक्वेस्ट है, रुक जाइए। अरे फैजान खान साहब और प्रेम शुक्ला जी, आपका प्रेम असीम है, लेकिन अब थोड़ा संगीत रागी जी को सुन ले। थोड़ा सा फैजान भाई रुक जाइए, संगीत रागी बोलिए। एक तो उनका ऑडियो चला गया था, अब आया है तो आप नहीं बोलने दे रहे हैं। सुशांत जी जा रही है क्या? हाँ आ रही है सर। सुशांत जी आपने एक अच्छे कथानक का प्रयोग किया था, लेकिन मेरे समझ से थोड़ा सा उसमें कसर रह गई थी। दरअसल ये बिरयानी के लिए चिकन भी नहीं आया था, बिरयानी बनाने के लिए सपने में सोचा जा रहा था और सपने में ही उद्घाटन भी हो गया था। अरे बंधु उद्घाटन तब होता है मेरे मित्र जब कोई चीजें हो जाती है, शिलान्यास होता है उससे पहले। तो पता नहीं शिलान्यास भी किया था आपने या नहीं किया था, मेरी जानकारी में नहीं किया था आपने शिलान्यास, उसके बारे में सोचा था। बहरहाल मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्ष के दरमियान यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको जामा पहनाया है तो श्रेय लेने का अधिकार भी उसे जाता है। आखिर जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो इस देश को एक अच्छा ताकतवर देश बनाने की सोच तो उस समय भी थी, लेकिन चाइना बॉर्डर तक यदि 4 लेन और 6 लेन की सड़क यदि नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंचा पाई और कांग्रेस की सरकार इसलिए डर से नहीं वहां तक रास्ते बना पाई क्योंकि उनको डर था कि हमारे रास्ते पे कहीं चाइनीज जल्दी से घुस आए, तो श्रेय तो नरेंद्र मोदी सरकार को ही जाएगा, कांग्रेस सरकार को तो नहीं जाएगा। सोचा जरूर होगा कि एक हम बलवान एक भारत एक एक, एक बहुत ताकतवर भारत का निर्माण करेंगे। वैसे ही जिन चीजों को अभी की सरकारों ने ये किया है, अभी के सरकारों ने उसे प्रयोग किया है, पैसा खर्च किया है, तो श्रेय तो उसी को जाना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वाकई जो सरकार ने काम किया है वो अतुलनीय है। आप जरा कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए, हर एक जनपद में यदि एक मेडिकल कॉलेज हो, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना और उसको जामा पहनाने की तैयारी करना, साथ साथ कुछ प्रयोग सफल तौर पर भी कर देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 70 साल की आजादी में सरकार की तो एक भी जनपद का आप तैयार हॉस्पिटल नहीं बना किया था। मैं कह रहा हूँ आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक भी बता दें समाजवादी पार्टी, आप एक भी बता दें जौनपुर में कर दिया आपने, प्रतापगढ़ में कर दिया, उद्घाटन आपने किया है, कोई भी सुशांत जी मायावती के समय भी फलफूल रास्ता नहीं है और समाजवादी पार्टी के समय तो फलफूल ही रहा था।
अच्छा फैजान जी मुझे एक बात बताइए, और गुंडों के बीच में अंतर पुष्ट करना मुश्किल। फैजान जी मुझे एक बात बताइए, अब यदि योगी की सरकार ने यदि 149 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड गुंडों के मठाधीशों को खत्म किया तो कायदे से तो एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के लिए उनको श्रेय जाना चाहिए। ठीक है, यदि 23,000 से ज्यादा क्राइम में लोगों को ऑर्गेनाइज गैंग हमारी मनमानी है, तो भी उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। यदि उज्ज्वला योजना के यदि कनेक्शन दे दिया गया मंत्री पद से बरकरार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है, आप उसी आपको समाजवादी पार्टी के कौन सा काम किया? अरे मेट्रो, आप सोचिए कि दिल्ली में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन किसने लाया था? दिल्ली में मेट्रो का आप दोनों को